हेलो नमस्ते आदाब सभी का जो यहाँ जुड़ चुके हैं हमारे साथ दी लल्लन टॉप अड्डा देख रहे हैं आप। और जैसे ही जानते हैं कि हर हफ्ते हमारे साथ अड्डा पे कुछ कमाल लोग जुड़ते हैं, कमाल लोग जिनका काम कमाल होता है, जिनकी बातें कमाल होती हैं, कुछ बड़े खूबसूरत भी दिखने वाले होते हैं, उनकी आवाज शानदार होती है। और ऐसा मतलब एक तरीके से कलेक्शन यहाँ पर हम मिश्रण देखने को मिलेगा। मैं छोटा छोटा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। सबसे पहले हमारे साथ वो हैं जो अपने काम के जरिए मुझे लगता है ऐसा मानते हैं कि लिख देंगे क्रांति तभी मिलेगी शांति। तो सबसे पहले स्वागत आदित्य कृपलानी जी का, जो कि एक ऐसी फिल्म लेकर आए हैं जो कि सुसाइड प्रिवेंशन के बारे में, ज्यादा उसके बारे में बात नहीं करेंगे, धीरे धीरे बात करेंगे। रुचा हमारे साथ हैं जो कि ऊपर वाले की ओर से इनाम है, रुचा इनामदार है, और क्रिमिनल जस्टिस में आपने इन्हें अवनी के किरदार में भी देखा है। अभी काफी अवार्ड्स और नॉमिनेशंस का ताज है इनके सर पे, और जिस फिल्म की बात करने वाले हैं उसी के लिए भी है। और हमारे साथ हैं वो जिन्हें हर कोई अपनी अपनी एक मेमोरी लिए बैठा है ऐसे जानता है। और सबसे पहले तो मिलेनियल्स की बात करूं तो फैशन से, जॉली एलएलबी से जानते हैं, टीवी शोज के शौकीन, कहानी घर घर की से जानते हैं, बॉलीवुड मधु से जानते हैं, और रिसेंटली आपने अनदेखी में देखा। अब जिसमें देखने वाले हैं वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कहीं ना कहीं बहुत लोग रिलेट करेंगे, कुछ लोग शर्माएंगे इस बारे में बात करने से भी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दी लल्लन टॉप पर। थैंक यू सर। थैंक यू। शुक्रिया हमें यहाँ बुलाने के लिए। और मुझे पता नहीं क्यों आप मुझे टेरानोसॉरस जैसा की मैं पर खैर शुक्रिया इंट्रोडक्शन के लिए। आपको इतनी बूढ़ी लगी है सर? अच्छा नहीं नहीं ओ ऐसा नहीं, मुझे लगा कि अच्छा सर कब से लगे हुए हैं, अच्छा रिटायर नहीं हो रहे वे अंकल, जाओगे कब, कब तक लगे नहीं, रहोगे? नहीं। मेरा सबसे पहला सवाल ही होने वाला था कि आप, मैं आपके इतने सारे इंटरव्यूज देखती हूँ तो लोग ऐसे कहते हैं कि आपको 3 दशक हो गए या जब मैं पैदा नहीं हुई थी तब से आपका काम। मैं नहीं कहूंगी ऐसा, हाँ नहीं मैं नहीं मैं भी पूछूंगी। अब जो है जब मैं गुस्सा हो जाता हूँ, होता है ना जब हम नए नए आते तो हम लोगों को सुनते थे, जानते हो मैं यहाँ कब से हूँ, तो हमको हंसी आती थी। पता चला अब हम भी उसी मोड़ में आ गए हैं, कोई नया आया वो हमसे फालतू मस्करी करता है तो हम भी शुरू हो जाते हैं, जानते हो हम कब से यहाँ पे हैं। नहीं, पर आपके तो रूम में एंटर होते ही कह दिया था ना आदित्य जी ने कि आप क्या लग रहे हैं, मतलब 16 साल हाँ के मिलकर। वगैरह इतने सारे रोल्स आपने किए, लेकिन ऐसा कभी हुआ क्या कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्यों कर दिया, या फिर आपने एक रोल करने के बाद खुद को देखने के बाद फोन स्विच ऑफ कर दिया हो कि नहीं मुझे किससे बात नहीं करनी है, एवर हैपन? नहीं, अब तक फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अब तक जो आदत ही ये रही है कि एक्चुअली काम पसंद आएगा, करने की इच्छा होगी तो हाँ बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। तो अब तक काम उतना ही, उस लिहाज में ये भी हो जाता है कि कभी 6 संडे मेरा चलता है तो 6 महीने का संडे चलता है, और तो कभी 3 4 महीने का भी चल लेता है। तो वो एक जिद पहले ही से है कि भाई जमेगा तो सुन, कान को सुनाई देगा, पहला जो पहले सुर जो कान को ठीक लगेगा उसको हाँ बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। तो अब तक नहीं, एक्चुअली एक ऐसा काम है लेकिन मैं उसका नाम नहीं ले सकता। थोड़ा एक हिंट दे दो कि लोग अपने आप गेस कर लें वो क्या है। वो एक कुछ था कॉमेडी, अब वो क्या कॉमेडी था वो रहने देते हैं, लेकिन कुछ आप उसकी था। बात कर रहे हो क्या जिसमें आपने एक ऐसे गाली देने वाले थोड़े पिताजी का रोल किया नहीं वो तो मस्त था जो अभी रिसेंट वाला जो था? हाँ, अनदेखी, तो कमाल, अनदेखी। वो तो मैं बहुत ही खुश हूं उससे। तो लेकिन वो था एक, अब जाने दीजिए ना कहाँ, वो बड़ी बड़े बड़े चैनल हैं, कोई नाराज हो जाएगा, खफा हो जाएगा, पुराना एक था बिल्कुल कोई शो, फिक्शन नहीं था बट कुछ ठीक था, जाने दीजिए ना का है, मतलब है नहीं ना। पता। मैं तो रुक गई थी। तो लेकिन हाँ एक काम ऐसा 30 सालों में, उसके अलावा नहीं। कोई भी ओके नहीं रुचा, आप भी ऐसे बड़ा ध्यान रख के प्रोजेक्ट सिलेक्ट करती हैं क्या? क्योंकि क्रिमिनल जी। जस्टिस में आपने ना एक ऐसे ही टेंस इंटेंस इंटेंस रोल पे किया ना, एक भाई जेल जा रहा है, उसकी बहन बनी आप। अभी जिस प्रोजेक्ट की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है, मैं ब्रीफ में बता देती हूँ सभी को, नॉट टुडे। नॉट टुडे वो दो शब्द हैं जो हर कोई कहता है खुद से कि नहीं आज नहीं, आज नहीं टूटना है मुझे। और हम शायद कभी ना कभी किसी स्ट्रगल से गुजर रहे होते हैं और हम डर गए होते हैं और शायद हार मारने वाले होते हैं, हम कहते हैं नहीं नॉट टुडे। ये एक तरीके का अपना मोटिवेशन है, लेकिन जो उसकी स्टोरी है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। तो रुचा आपका भी किरदार उसमें बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है, अगेन इंटेंस, काफी स्ट्रेस्ड, तो ये चुनने के पीछे वजह क्या रहती है? अगेन लाइक वेरी सिमिलर टू वॉट हर्ष सर सेड दैट सुनते ही इफ यू रियली फील लाइक डूइंग इट यू वॉन्ट टू डू इट, एंड इफ यू डोंट वॉन्ट टू डू इट यू डोंट वॉन्ट टू डू इट। फिर इसको दिमाग लगा के जब भी करते हो तो मजा नहीं आता, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम है नॉट टूडे। तो जब आदित्य ने 1 लाइनर बताया, लाइक एक एक लाइन में
नॉट टुडे की कहानी बताई, तभी अंदर से मतलब इट वॉज सच अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट आई एक्चुअली आस्क्ड हिम कि कैन आई ऑडिशन फॉर इट. मतलब इतनी इतनी बढ़िया लगी मुझे वो वन लाइन. होता है ना वो तुम्हें छू जाती है और तुम्हें लगता है यार तुम्हें इसका पार्ट बनना है. सो या सो दैट इज अव मैं भी ऐसे ही मेरे काम सिलेक्ट करती हूँ. जहाँ मजा आए कर लो, अच्छे से अंदर से लगे तो करो, ना लगे तो मत करो. क्या बात, फिर आदित्य जी की कृपा बरस गई. और तो ये वन लाइनर क्या था बाय द वे, मैं ये जानना चाहती हूँ, जो आपने इनको दिया था. वो तो वो बताएंगे, एकदम करेक्ट बताएंगे. हाँ आपने सुन के हाँ बोला तो आप बताएंगे ना. खैर नहीं, मुझे जेन्युइनली ऐसे याद नहीं कि वो वन लाइनर क्या था. मुझे तो ये याद है कि नॉर्मली कोई भी एक्ट्रेस से हम बात करते हैं तो हम पूरी स्क्रिप्ट भेज देते हैं सीन्स के साथ. अक्सर ऐसा होता है कि एक्टर को सिर्फ वही सीन्स जाते हैं जो ऑडिशन के लिए होते हैं, लेकिन हमारी ये प्रथा है कि पूरी स्क्रिप्ट भेज देते हैं ताकि कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए उन सीन्स का. तो मुझे तो इतना याद है कि मैंने पूरी स्क्रिप्ट, बातचीत हो रही थी फोन पे या मैसेज पे, तो पूछा कि तुम क्या कर रहे हो अभी, तो मैंने शायद बोला था कि सुसाइड प्रिवेंशन पे फिल्म बना रहे हैं जिसमें एक 22 साल की लड़की जो है उसका पहला दिन है और उसको एक 50 साल के इंसान को लेज से उतार के वापस नीचे लाना है, सही तरफ से, उस तरफ से नहीं. बस उतना ही शायद था. और वो बोरी मुस्लिम किरदार है और वो बोरी मुस्लिम उसका होना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उस खानदान में तो वो बोल भी नहीं पाएगी कि मैं यहाँ काम कर रही हूँ. तो वो सब चीजें उतना ही शायद मैंने बात किया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं. ये बताया, फिर मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने कहा ऑडिशन ऑन है और दिवाली करेक्ट करेक्ट और दिवाली का टाइम था एंड दे वर डन विद ऑडिशंस. एक दिन का ऑडिशन लाइक एक दिन बाकी था तो मैंने उनसे पूछा कि मैं टेस्ट करूँ क्या, तो बोले यार इट वुड बी अनफेयर, अगर करना है बिल्कुल करो बट इट वुड बी अनफेयर क्योंकि लोगों को तीन तीन महीने पहले मिली हुई है लाइक स्क्रिप्ट या जो भी है तो प्रिपेयर करने यू विल नॉट हैव टाइम. आई आल्सो सेड हां आल्सो सेड दैट इट्स सो मच डायलॉग बिकॉज़ आपने तो देखा पूरी फिल्म में यही है. तो वो एक सीन जो था वो 22 मिनट का तो सीन था एक जो पहला उनका सीन है. तो मेरा ये था कि इतना डायलॉग है, इतने पेजेस का डायलॉग है कि कल मतलब फाइनल सेकेंड लास्ट ऑडिशन चल रहा है फाइनल, उससे हम फिर शॉर्टलिस्ट करेंगे तो तुम कैसे करोगी. और वो कहीं और किसी शहर में थी, वो यहाँ बंबई में भी नहीं थी वो हमारे. नहीं, यू आर मिक्सिंग टू स्टोरीज. नहीं, ये मैं बंबई में थी दिवाली के दिन पे एंड आई स्टिल रिमेंबर मैं घर पे सोफा पे चंडीगढ़ फॉर द नेक्स्ट वन. सॉरी, हां दैट इज द नेक्स्ट वन एंड देन सो आदित्य सेड आर यू श्योर यू वांट टू गिव इट, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, इफ यू वांट यू कैन ऑडिशन फॉर इट. आई सेड आई विल ऑडिशन. आई सेड लेट से लेट कब आ सकती हूं, तो उन्होंने कहा 6 बजे इज व्हेन लाइक अगले दिन 6 बजे. मैंने कहा ठीक है अगले दिन 6 बजे मैं आ जाऊंगी. तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजी, फिर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, फिर मैंने वो सीन प्रिपेयर किया, हमारा टेस्ट हुआ और मुझे कुछ नहीं आया, कोई कॉल नहीं कुछ नहीं, नॉर्मल बातें होगी. तो आई थॉट कि पता नहीं क्या हो रहा है, नहीं जो भी है, एंड आई वॉज वेरी कीन ऑन पोर्ट्रेइंग आलिया. और फिर तब आदित्य ने तब दैट इज व्हेन द सेकंड थिंग हैपेंड, भटिंडा वाला. सो दिस टॉपिक जो सुसाइड, ये जो शब्द है आज की तारीख में स्पेशली पिछले एक साल से लोग, मुझे नहीं पता अवेयर कहना सही बात है या नहीं, लेकिन इसके बारे में बात कर रहे हैं, एटलीस्ट करना शुरू कर चुके हैं. आपको इस पर्टिकुलर फिल्म का ख्याल कब आया, क्यों कुछ घटित हुआ ऐसा, क्योंकि एक इंटरव्यू में मैंने ये पढ़ा था आपके बारे में कि आप सुसाइड प्रिवेंशन को लेकर एक फिल्म बनाना चाहते थे लंबे समय से, तो कहां से ये थॉट आया? तो वी हैव लॉस्ट पीपल टू सुसाइड इन आवर फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल. तो एक तो वो था. इंटरेस्टिंगली नाउ दैट यू मेंशन इट कि एक साल से सुसाइड के बारे में काफी बातचीत चल रही है, एक कॉन्वर्सेशन चल रहा है. हमारी फिल्म एक साल से तैयार है लेकिन हमको ये बाहर नहीं डालनी थी बिकॉज मुझे लगा, हम सबको लगा कि वो एक अपॉर्चुनिस्ट चीज होगी. तो कुछ बात ही नहीं की हमने. इनफैक्ट आमतौर पे एक मार्केटिंग वाला इंसान अगर होगा तो सोचेगा कि अरे ये तो बहुत सही वक्त है फिल्म का ट्रेलर डालने का और फिल्म को बेचने का, बट हमको लगा ये बहुत ही गलत बात होगी बिकॉज आई ऑल्सो फेल वेरी स्ट्रॉन्गली व्हाट वाज गोइंग ऑन. Which is why we've just kept quiet for a year, all of us. It's been a very tough thing to do, to have a film that's ready and to kind of keep quiet. But that's it. So I started writing this only because हमारे परिवार में we've lost someone to suicide. तो वो था हमेशा से कि इस चीज के बारे में बात करनी. और जब मैं रिसर्च करने गया बम्बई में तो जिन हालातों में ये काम चलता है उसको देख के तो काफी मतलब
रोना ही आ जाए इंसान को कि आमतौर पे कोई फॉरेन कंट्री में जब सुसाइड प्रिवेंशन सेंटर होता है तो अलग अलग क्यूबिकल्स होते हैं, प्रिवेसी होती है हर इंसान की, क्या कॉन्वर्सेशन है, आप किसी को मरने से बचा रहे हो। डॉक्टर का काम, जैसे डॉक्टर लोकल ट्रेन में थोड़ी सर्जरी करता है, बट ये लोग ऐसे लिटरली ऐसे सर्जरी की अहमियत वाला काम, वो लोग ऐसे एक टेबल पे बैठ के चार पांच लोग एक दूसरे से जैसे आपने फिल्म में देखा बात करके कर रहे हो, प्रिवेसी भी नहीं होती बिकॉज पैसे नहीं है। वो सुसाइड प्रिवेंशन सेंटर में जो सबसे बड़ा सेंटर है बंबई में, मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज आई डोंट वांट टू इम्प्लिकेट देम एनीथिंग, बट उनके पास वही है एक डाइनिंग टेबल जैसे, पूरे लोग ऐसे फुसफुसा रहे हैं और किसी की जान बचा रहे हैं, तो वो देख मुझे और भी लगा कि इसके बारे में बात करना बहुत ही जरूरी है। ओके हर्ष जी, आपने एक बात कही और आप कहते भी हैं कि एक तरीके से तो लाइफ ही लॉकडाउन है, क्योंकि आप काफी इंडोर्स रहते हैं शायद, या फिर इसी तरीके से समय बिताते हैं ये कोविड टाइम में स्पेशली। क्या ये फिल्म उससे पहले ही शूट हो चुकी थी पूरी? हाँ, ये फिल्म तो जस्ट बिफोर द लॉकडाउन। ओके, मतलब वी फिनिश्ड इन जनवरी मार्च अप्रैल में शुरू हुआ। सवाल मेरा ये है कि ऑफ कोर्स आपने इतने एक सीरियस टॉपिक पर फिल्म की शूटिंग की, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो बातें रहती हैं, फिर हम एक ऐसे मुश्किल समय में एंटर कर गए जो कि लॉकडाउन और कोविड का समय था, पीपल वर लूजिंग देयर रिलेटिव्स लव्ड वंस, तो उस समय में फिर आपके लिए क्या मनोस्थिति बनी रही, किस तरह के ऑब्जर्वेशंस आपके रहे, अच्छा बुरा इस लॉकडाउन पहले तो कोविड वो लॉकडाउन पहला जो था उसमें तो सब पूरी दुनिया के लिए नया था, हमारे लिए भी बहुत ही नया था, तो पहले कुछ में तो समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। सिर्फ इतना पता चल रहा था कि बहुत बड़ी तादाद में जो है लोग बीमार पड़ रहे हैं, उनकी जान जा रही है, या पहले तो चाइना में था तो पहले तो ऐसी लग रहा था कि अच्छा ये तो चाइना में होता है या नहीं होता, फिर धीरे धीरे वो यूरोप अमेरिका जाने लगा तो आपको लगा अच्छा ठीक है यूरोप अमेरिका में गया होगा, हिंदुस्तान में नहीं आएगा, फिर पता चला कि नहीं भाई ये तो सब जगह है, यहाँ भी आ चुका है। तो पहले तो समझते ही वक्त लगा कि अच्छा अच्छा ये सब लफड़े वाला मामला है। तो वो मार्च अप्रैल में लॉकडाउन शुरू हुआ तो एक दो महीना तो यही समझते लगा कि अच्छा कुछ है, मुश्किल सा कुछ चल रहा है और ये मास्क वास्क पहनना पड़ेगा। और पहले 15-20 दिन या 4 हफ्ते तो मास्क ही नहीं पहन रहे थे हम, क्योंकि आदत ही नहीं, तो आप वही ऑकवर्ड लग रहा था कि मास्क क्या पहन के घूमना है। तो पहले तो मास्क की आदत दिमाग में डालनी पड़ी कि अच्छा नहीं मास्क पहन के चलना पड़ेगा। तो गेट यूज टू दिस होल आइडिया टुक, मुझे तो वक्त लगा 3-3.5 महीने इसी बात को लगे कि अच्छा ठीक है कोविड है, घर में रहना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा, सब संभालना पड़ेगा। जहां तक घर में रहने का सवाल है, मुझे उस मामले में कोविड से कोई परेशानी मैं हुई नहीं, मुझे लगा ही नहीं कि कोई दिक्कत है, क्योंकि उसी तरह मुझे तो ये समझ में आया कि ये मेरा लाइफस्टाइल जो है उसको लॉकडाउन ही कहा जा सकता है। तो मुझे तो शब्द ही मिल गया, क्योंकि मैं बहुत कम वैसे ही मेरा बाहर आना जाना रहता है। तो उसके सिवाय फॉर्चुनेटली और कोई दिक्कत उस वक्त हुई नहीं, बट यहाँ दूसरे कोविड तक आते आते हमको समझ में आने लगा कि भाई स्थिति बहुत गंभीर है, क्योंकि अभी कुछ 4-5 हफ्ते पहले छत मेरे ही छत पे शूट किया, ऐसा कह रहे हैं जो बिल्कुल गलत, इनके लोकेशन पे मैं जाता था इतना कष्ट। तो पहले और जो 6 महीना बंद रहा तो फिर धीरे धीरे समय आके नहीं घर पे रहना चाहिए, तो जब समझ में आया तो फिर वो सारे आदेश एक दूसरे को दो दिए गए घर में, कभी 4 दिन में एक बार निकलेंगे, हफ्ते में जो सामान चाहिए बस एक बार लोगे, 4 दिन बाहर नहीं निकलोगे, करते करते तो देन तो वन गॉट यूज्ड टू इट। अब मास्क नहीं होता है तो लगता है कि मास्क लाओ किधर है, अधूरा सा लगता है कुछ। हाँ अधूरा सा, मैंने 4 लोग वीडियो पे बैठे तो भी लग रहा है कि मास्क पहन ले कुछ होना चाहिए। कोविड का मुझे एहसास जो है थोड़ा ज्यादा अब हुआ, एक तो आसपास थोड़ा ज्यादा भयानक हो गया था क्योंकि ये इस किस्म से पहले नहीं था, और फिर आपको लगा कि ये तो ठीक है, फिर भी आपको लगता है ठीक है आपके पड़ोस में है, आपके दूसरे इलाके में है, आपके साथ वाले घर में है, लेकिन अभी 4 हफ्ते पहले हमारे पिताजी उधर गए कोविड में, तो हमें अब समझ में आया कि कोविड क्या है। पहले सीजन में तो नहीं समझ में आया कि कोविड, वो तो बस आया और निकल गया और ठीक है हम भी उसके साथ होगी, हमारा तो ये तजुर्बा रहा। रोचा, I don't know, मैं अभी हर्ष सर ने जो लास्ट में बोला वो सुन रही थी एक्चुअली। कुछ नहीं, एक्चुअली सिमिलर, घर पे तो एज सच कुछ चेंज नहीं हुआ, टचवुड थिंग्स वर फाइन, एंड जो रूटीन होता है वो वैसे ही रहा। सी एज एन एक्टर क्या होता है ना, यू डोंट हैव अ स्ट्रक्चर्ड जॉब, तो जब आप काम करते हो तो आप बिल्कुल मतलब 16-18 घंटे काम करते हो, वो 3-4 महीने काम करते हो, और उसके बाद जब आप घर पे होते हो
So you have your own routine. आप आपकी जो चीजें करते हो, जो भी exercises, whatever you like doing, writing है, जो भी वो करते हो. So your life within the मतलब घर के अंदर life नहीं change हुआ. But yeah, of course, बहुत close लोगों को हुआ when taking care of them, lost some, all of that obviously happened, which is actually not related to the experience of film where your question came from, that you know you just came out of that experience and then got into this situation. So honestly, for me, initially we had just finished shooting for Not Today, so kafi heavy si film thi, kafi heavy set ye tha. So uske baad main to bade chill mode mein thi ki you know shedding aliya aise aaram se thoda रुचा बन के फुदकना चल रहा था मेरा. और फिर इस चीज की ग्रेविटी समझ आई कि अच्छा ये है. और तो नॉट टुडे निकलने में मुझे घर पे रहने का क्या कहते हैं, इट हेल्प मी, क्योंकि मैं फैमिली के साथ रही, मेरे नीस के साथ खेली, घर वालों के साथ, सबके साथ डिस्कशन हुए, तो इट हेल्प मी. एंड सो आई डोंट कनेक्ट नॉट टुडे एंड कोविड एट ऑल. लाइक फॉर मी आई जस्ट फेल्ट कि जो हमने तो तब फिल्म बनाई थी जब सब जगह जा सकते थे और सब खोला था एक, बट अब ऐसे लगता है कि जैसे मैं अभी अपने माँ बाप को मिल ही नहीं सकता हूँ, मैं उनको सिर्फ वीडियो कॉल पे मिल सकता हूँ. तो ये जो एक दो लोगों दो किरदारों का जो एक की जो एक फीलिंग है पूरी फिल्म में कि मैं उसको मिल नहीं पाता हूँ, मिल नहीं सकता हूँ, मुझे मिलना है लेकिन मिल नहीं सकता, मैं सिर्फ एक स्क्रीन पे उनको देख सकता हूँ और जो भी मुझे उनको बचाना भी है तो एक स्क्रीन के जरिए करना है, वो मुझे लग रहा है अब पूरी दुनिया को महसूस होने लग गया है. तो इन प्रोफेटिक फिल्म व्हिच आई डिडंट रियलाइज दिस एक्टर कॉल्ड गीतिका विद्या हु वाज इन सोनी एंड थप्पड़, व्हेन शी सॉ द फिल्म शी सेड दैट इट्स ऑलमोस्ट लाइक इट वाज अ प्रेमोनिशन, यू नो ऑलमोस्ट लाइक समटाइम्स आर्टिस्ट को, मतलब मुझे तो नहीं आया ऐसे, बट शी सेड इट्स ऑलमोस्ट लाइक समटाइम्स आर्टिस्ट हैव अ प्रेमोनिशन की दुनिया को क्या होने वाला है, बिकॉज ये फिल्म इट्स एग्जैक्टली लाइक हाउ आई टॉक टू माई पेरेंट्स एवरी डे नाउ. और हमारा जो भी रिश्ता है वो ऐसा ही है, जितना भी गहरा है, जितनी भी गंभीर चीज है और आपको जो भी सुझाव ढूंढना है वो ऐसे ही ढूंढना है. सो इन दैट सेंस आई फाइंड एंड ऑल्सो द नीड फॉर दिस फिल्म इनिशियली वॉज वेरी पर्सनल एंड नाउ इट्स जस्ट बिकम इट्स ऑलमोस्ट लाइक आई रियली फील बर्निंग इंपॉर्टेंस दैट दिस फिल्म नीड्स टू बी सीन. आई हैव नेवर फेल्ट दैट फॉर एनी फिल्म ऑफ माइन, इवन दो ऑल माई फिल्म्स हैव हैड सम कोई तो मुद्दा रहा है जो इंसान सोसाइटी से जूझ रहा है किसी तरीके से, फिर भी बिल्कुल. आपने एक बात कही कि खैर आपने मजाक में कही कि हर्षजी की छत पर आपने शूटिंग कर ली क्योंकि वो बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं, लेकिन लिमिटेड लोकेशंस में शूट करना क्या है, दोनों ही एक्टर्स के पास हाथ में एक फोन है, दैट इज द ओनली प्रॉप व्यूड से, और कुछ लिमिटेड लोकेशंस हैं जैसे कि एक छत है, एक सेंटर है या कुछ सड़क की लोकेशंस है. अब इतना जब लिमिटेड लोकेशंस या कपड़ों या लोगों का नंबर होता है तो क्या ये एक मेकर के लिए, एक डायरेक्टर के लिए लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शन बन जाता है या फिर रिलीफ रहता है कि ठीक है मुझे सिर्फ कंटेंट पर और डायलॉग्स पे काम करना है? तो मैं थोड़ा जवाब इसका थोड़ा ऐसे एक असाइड करके दूंगा. हमने हर्ष सर ने शायद अभी 7 या 8 टेरेसेस पे शूट किया क्योंकि जो भी क्लोजअप्स है वो अलग अलग टेरेस पे, क्योंकि मुझे ये चाहिए, मैं ये चाहता था कि दो एक्टर्स कभी भी एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी से ज्यादा पर ना रहें ताकि हम हर टेक के बाद बात कर सकते हैं और इम्प्रोवाइज भी कर सकता हूं मैं. आमतौर पे कैसे किया जाएगा, अगर इसको टीवी पे बनाया जाएगा, एक एक्टर आएगा अपनी पोर्शंस करके चला जाएगा, फिर दूसरा एक्टर आएगा अपनी पोर्शंस करेगा, दैट्स हाउ मोस्टली दिस काइंड ऑफ फिल्म विल बी शॉट. बट हमको वो थिएटर में जो एक इम्प्रोवाइजेशनल फील होती है कॉन्वर्सेशन में, जब एक एक्टर कुछ अलग कर देता है तो दूसरा एक्टर रिएक्ट करता है उसको, हमको वो चाहिए थी फिल्म में. तो हमने ऐसे 7-8 लोकेशन ढूंढे और अदिति शर्मा जो DOP है उन्होंने इतनी खूबसूरती से उन लोकेशंस को लाइट किया ताकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो क्लोजअप्स अलग अलग लोकेशंस पे ऐसा. सो वेयर वी वर, जैसे अगर रुचा मरीन ड्राइव पे थी तो हर सर 100 मीटर की दूरी पे भी नहीं, 50 मीटर की दूरी पे मरीन ड्राइव पे कहीं बैठे थे और ये सीन ऐसे चल रहा था और हमेशा 2 कैमरा होते थे कि एक हर सर को शूट कर रहा है आमतौर पर इन मोस्ट सीन्स. कभी कभी ऐसे नहीं होता था, कभी रुचा के फोन से हर सर दिख रहे थे बट वो भी शूट हो रहा था, वो भी फिल्म में होने वाला था. सो ऐसा ये तरीका था. तो इट डिडंट इवन दो इट अपीयर्स टू बी limited, actually it was a very expansive film because aap Bombay mein har jagah ghum rahe the and that's what I really feel sad about ki ab main wo kab kar sakunga phir se, because you know that kind of shooting, I don't know how everything, all shoots are so claustrophobic now, matlab ek bubble mein hi shoot hota hai,
तो एक्चुअली थोड़ी सैडनेस महसूस होती है हर बार, सोचिए कब कर पाएंगे फिर से। आई एम श्योर इससे तो सारे जितने लोग व्यूअर्स हमें देख रहे हैं वो भी रिलेट कर पाएंगे, बट सून। बट ये पहली बार नहीं है कि सिनेमा के जरिए ये इशू सामने आया हो। मैं बात कर रही हूँ सुसाइड की या डिप्रेशन की, तो हम छिछोरे देखे, थ्री इडियट्स देखे, अनजान अनजानी, आशिकी टू में भी छोटे छोटे पार्ट्स में ये सेंसिटिव टॉपिक टच करने की कोशिश की है। इतने ऐसे स्केल पर नहीं, पूरी फिल्म इसके बारे में हो ऐसा नहीं, चाहे वो स्टूडेंट स्ट्रगल हो, रिजल्ट, रिलेशनशिप, गरीबी, बहुत सी वजहें दिखाई जाती हैं इस फिल्म, क्योंकि कहानी हम अपने व्यूअर्स को भी नहीं बता रहे हैं। लेकिन आपकी तरफ से आप क्या कहेंगे, किस पहलू को ध्यान में रखते हुए, या अश्विन जो आपका किरदार है उसकी क्या ऐसी समस्या थी जिसकी वजह से ये फिल्म बनानी पड़ी, क्या था आपके दिमाग में? सवाल आपसे। तो मेरे हिसाब से अकेलापन इस फिल्म का सबसे बड़ा इशू है, सुसाइड नहीं, बिकॉज आई फाइंड अकेलापन तो सुसाइड से भी ज्यादा खतरनाक मतलब इशू है मुझे लगता है, और वो सबकी जिंदगी में, सुसाइड फिर भी कभी कभी कुछ लोगों की जिंदगी में उस मकाम तक आप पहुंच जाते हो दिमाग में, जहन में कुछ करना है अपने आपको एक डिस्ट्रक्टिव। तो मुझे लगता है कि फिल्म की शुरुआत होती है सुसाइड से, एक मुद्दा जो है उससे, बट आगे बढ़ के वो सिर्फ अकेलेपन से जूझने लग जाती है फिल्म, बिकॉज ये सुसाइड के भीतर भी मतलब अगर जाओगे तो अकेलापन हमेशा होता ही है एक एक सिरे से, तो ऐसा मुझे लगता है। तो अकेलापन मुझे लगता है अश्विन की सबसे जो एक जो कोर इशू अगर माना जाए सबसे, बिकॉज एवरी वन इन देयर लाइव्स नीड्स एटलीस्ट सम फैमिली और सम वन हु लव्स देम वेरी वेरी डियरली एंड अनकंडीशनली इन सम सेंस एंड इन, सो दैट्स आई थिंक द कोर इशू रियली। ओके, इस पे हर्ष सर आपको चैट करना चाहेंगे? मुझे ना इस दुनिया का कुछ पता नहीं है, माने ये पूरा जो इशू है, जैसे कि भाई आदित्य बता रहे हैं कि उनके तजुर्बे रहे हैं जो बहुत ही निजी पर्सनल रहे हैं, जिसकी वजह से उनको ये पूरी कहानी सूझी है, लेकिन मैंने ये चीजें सिर्फ दूर से देखी हैं, कहीं पढ़ा है, कहीं देखा है, कहीं सुना है, न्यूज में पढ़ा है, तो ये बात जो अब तक मुझे उस तरह से छुई नहीं है, तो मेरे पास उतना निजी कुछ है नहीं शेयर करने के लिए। दूसरा हो सकता है कि आपके अपने आपका अपना पर्सनल मेंटल मेकअप कह लें, आप कैसे सोचते हैं क्या नहीं, और या आप, अब ये मुद्दा जरूर है कि ये मुद्दा है, जाहिर है मैंने बहुत बड़ा मुद्दा है, और इन दिनों जैसे अब जो कोविड का जो माहौल है उसमें ये चीजें ज्यादा बढ़ी हैं, तो हो सकता है कि मैं थोड़ा बेहतर इसको देख पाता हूँ थोड़ा नजदीक से कि अच्छा नहीं वाकई ये होता होगा, क्योंकि इससे पहले मेरा नजरिया या हम जिस तरह से बड़े हुए हैं जिस माहौल में जहां, तो ये था कि हाँ ठीक है ना चलो उठो काम पे लगो, क्या सब सोचते रहते हो, अकेले हूँ, परेशान हूँ, ये हूँ, वो हूँ, उठो चलो दौड़ के आओ ठीक हो जाएगा, जल्दी उठा करो सब ठीक हो जाएगा, हाँ, ये एक बात उठा करो जल्दी दौड़ो जाओ, क्या तुम सब लगे रहते हो, मैं परेशान हूँ, मैं ये हूँ, हम ऐसे माहौल में पड़े हुए हैं, ठीक है, हमको दो थप्पड़ मार गया था, रोना आ रहा है तुमको, काम लो तो हमारा नजरिया लगभग ऐसा ही अब तक तो था कि क्या है ये सुसाइड कर लेते हैं, है? क्या मतलब है इसका, ये कोई बात है, ये क्या डरते हैं क्या जीने से, मैं झेल नहीं पाते हैं। वो तो वो जो पुराना जो आपके पुश्तैनी जो ख्याल चले आ रहे थे उसी में अब तक मैं था, तो मेरा रिलेशन पर्सनल लेवल पे उतना स्ट्रॉन्ग कनेक्ट नहीं, जो भी पिछले एक साल में नजरिया बदला होगा वो बात अलग है कि भाई आप टेलीविजन में, खास करके जब मैंने देखा कि टेलीविजन फिल्मों में भी ज्यादातर टीम में हुआ कि वो जो बहुत ज्यादा काम नहीं करते हैं, और वो भी क्योंकि मेरे धंधे से जुड़ा था इसीलिए मैं ज्यादा उसको देख पाया कि भाई द यंग एक्टर्स हु हैव अ फैमिली, हु हैव अ किड, दे हैव अ वाइफ एंड दे आर नॉट सो पॉपुलर, दे आर नॉट वर्किंग सो मच, दे आज कमाया कल खाया वाली जो स्थिति में, उस ऐसे मैंने 30-35 साल के दो तीन लोगों के मैंने न्यूज पढ़े कि वो दे जंप्ड ऑफ फ्रॉम वेयरएवर बिकॉज दे वर नॉट एबल टू फीड द फैमिली, तभी समझ आया कि कुछ ये तो मुद्दा मतलब अलग ही चीज है, मतलब हम जिस रास्ते से चले आ रहे हो
अब वो ठीक है, आपके बाप दादा क्या सोचते तो अलग है, बट नहीं ये मुद्दा गड़बड़ है, मेरी मेरा कनेक्ट अब हुआ है, इससे पहले इतना था नहीं, ऐसे ही लगता था कि हाँ ठीक है ना, क्या है इसमें सुसाइड करने की क्या बात है, ये बात, ये ऐसे तो फट्टू लोग होते हैं ये, मैंने अजीब सा कुछ जो आपको पता ही नहीं उस दुनिया का, और आप अपना कुछ सोचने लग जाते हैं, ऐसा था। I'm glad that you brought this up. बिल्कुल, ये वो वाली बात है ना कि भूत होते हैं लेकिन डिप्रेशन नहीं होता, ये मान्यता। मतलब ईमानदारी से कहें तो मैं कहूंगा कि हाँ मैं खुद भी उसमें था कि यार डिप्रेशन क्या होता है यार, है? क्या डिप्रेशन होता है? इनफैक्ट अभी भी कई बार होता है मेरे आसपास कोई दोस्त या कोई भाई या ऐसा कुछ बड़ा डिप्रेस, क्या डिप्रेस क्या होते रहते हो यार, उठो यार चलो काम पे लगो, तो वो है थोड़ा भी। फिर क्योंकि आपने कभी पर्सनल कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो इस रोल के लिए किसी सेंटर पर जाकर विजिट किया या आपने खुद किसी ऐसे व्यक्ति से बात करी? नहीं, मेरे लिए इसमें फिर मुद्दा सुसाइड से ज्यादा वो इंसानी कनेक्शन का था, इंसानी के भाई एक आदमी परेशान था, उसकी पूरी जो कहानी है इंसान तो कैसे वो अपने हरकतों से या अपने उसकी जो मानसिकता उस वजह से वो कैसे अपने परिवार से अलग हो गया है, और उसके बाद कैसे उनसे जुड़ना चाहता है, और अब इतना डेस्परेट है कि भाई बीवी बच्चे सब मैंने खो दिए हैं, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तो मैं उस दुनिया से इस फिल्म में उतरा था। भाई ये खड़ा वहां हो गया है कूदने के लिए, लेकिन उसकी परेशानियां जो जीवन की है वो उसको यहाँ ले आई, तो मेरा कनेक्ट दूसरा था। और दूसरा मोस्ट प्रॉब्ली एक डायरेक्टर जिसने फिल्म लिखी है वो आपको कहानी सुना रहा है और वो बता भी रहा है कि मेरे अपने पर्सनल इश्यूज हैं जिस वजह से मैंने लिखी है, तो एक वो कनेक्ट था कि ठीक है ये डायरेक्टर की ऑलमोस्ट आप बीती टाइप कुछ एक कहानी है, तो एक जिंदा आदमी आपके सामने वो बात कर रहा है, उसी के लिए की स्क्रिप्ट है वो आपके सामने रखी है और वो कह रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ तो मैंने ये लिखा, तो एक वो था। और दूसरा मैंने उसको फिर ह्यूमन रिलेशनशिप के बेसिस पे उसमें अपनी चीजें ढूंढी है उस फिल्म में। ओके, अब आप काफी एक्सपीरियंस हैं, आपने तरह तरह के रोल्स किए हैं रुचा, ऑन दी अदर हैंड अभी एक तरीके से धीरे धीरे चीजें एस्टैब्लिश हो रही हैं, अब सब नाम जानने लगे हैं, काम बहुत अच्छा लग रहा है, अवार्ड्स नॉमिनेशंस बहुत कुछ, आप काफी एक बबली पर्सनालिटी हैं, अभी आप का इंटरव्यू जितनी मिनट का लोगों ने देखा होगा लोग समझ पाएंगे यू आर दैट बबली। मैं बहुत शांत बैठी हूं, आप इनसे पूछिए। अच्छा ओके, इससे ज्यादा है? इससे ज्यादा है। यू नो यू हैव अ स्माइलिंग फेस नाउ, द रोल यू हैव डन इज काफी मैच्योर, राइट? आप उस व्यक्ति से मिल नहीं पा रहे हो, आप उसे जानते नहीं हो, ही इज अ टोटल स्ट्रेंजर, यू ओनली नो कि वो परेशान है और आपको सिर्फ बातों से उसे शांत करना है। ऐसा रोल करना आपके लिए कितना ज्यादा डिफिकल्ट रहा? Because of course, आपकी personality, from what I see, is totally opposite. Honestly, मेरा EQ बहुत high है, and as a person, I'm very sensitive. So, for me, एक हमने एक exercise किया था before we started shooting. तो आदित्य ने कहा कि मैं तुमसे कुछ exercises कराऊंगा. मैंने कहा ठीक है. तो उन्होंने वो exercise ये था कि उन्होंने मुझे एक Uber में बिठाया और वो आगे की सीट पे बैठे और मुझे बात करनी थी वो जो उबर के ड्राइवर है उनसे। अब रियल लाइफ में रुचा हमेशा रिक्शा में, उबर में, टैक्सी में सबसे इतनी बातें करती है कि मुझे विद इन हाफ एन आवर उनके घर पे कौन है, गांव में कहाँ खेती है, किससे कौन सा झगड़ा हुआ है, क्या खाना पसंद है, सब पता चल रहा है। सो एक्चुअली ही वाज ट्राइंग टू डू दिस एक्सरसाइज टू सी हाउ क्विकली आई कैन कनेक्ट विद अ स्ट्रेंजर, you know, because that is something that would be required as Alia in the film. He's like, अरे तुमने तो PhD कर ली इसमें, इसकी तो जरूरत नहीं है। So Alia के लिए prepare करने में actually दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि भले Alia जहाँ से आती है उसकी जो दुनिया है उसके जो mannerisms है वो अलग होगी, पर at core वो जो feel करती है ना, उसकी जो sensitivity है वो रुचा की sensitivity है। So that was one. Second is in general in life, you know, there have been 2-3 friends who have reached that point and I have really gone out of my way and I have made sure they're fine. So that is again very, very like it's something that came naturally to me. And I have lost one friend to this and hamesha wo ek feeling rahi hai ki kaash wo mujhe call karta. Aur mera koi bahut close dost nahi tha, lekin wo jo feeling hai na यार बात कर लेता, तो इसलिए मुझे Alia प्रिपेयर करने में सच डिफिकल्टी नहीं हुई। हाँ,
वो जो बोरी मुस्लिम कैरेक्टर है उस बारे में कुछ नहीं जानती थी, सुसाइड प्रिवेंशन सेंटर के बारे में कुछ नहीं जानती थी. वो मुझे इनफैक्ट आदित्य टोल्ड मी, मैंने थोड़ा जो भी रिसर्च किया भी, आई हैव विजिटेड दोस सेंटर्स, आई हैव सीन देम वर्क, एज ही सेड नो, एज ही करेक्टली पुट दैट इन अ रूम देयर आर पीपल जो बैठ के धीरे धीरे यू नो एकदम खुशफुस खुशफुस बात करके किसी की जान बचा रहे, उसकी ग्रेविटी डेफिनेटली समझ आई वो सब जब रिसर्च कर रही थी. जो पूरा भोरी कल्चर है, हाउ दे ईट फ्रॉम वो एंड में, जो सॉल्ट खाना से लेके थाल में, वो सब कैसे जियारत कैसे करते, वो सब. सो ये सारी चीजें मेरे लिए नहीं थी. और ऑल्सो द काइंड ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर दैट आलिया हैज इज नॉट द फैमिली स्ट्रक्चर दैट आई हैव हैड. आई हैव अ वेरी टच और वेरी साउंड एंड अ हैप्पी फैमिली वेर इन आलिया रियली हैज गॉन थ्रू हर ट्रबल्स. This is something I was like about to ask. मैं पहले ही आपसे इस बारे में बात कर लेती हूँ. आपने उसमें कहा है कि I think जिस तरीके से आप कपड़े पहनती हैं वो अपनी पेरेंट्स की मर्जी से पहनती हैं. Correct. And you are an atheist. आप नास्तिक हैं पर for parents की खुशी आप करती हैं. Normal life की बात करूँ, एक आम सामाजिक middle class आदमी, majority of people जो ये film देखेंगे उनके घरों में ऐसा है, girls are expected to you know wear what they asked. To wear and go out जिस समय पर, ऐसी जॉब करना जो पेरेंट्स को गवारा ना हो वो गलत है. तो कभी ऐसी सिचुएशन, किसी परमिशन का इंतजार आपने जिंदगी में किया है? सच्ची बताओ नहीं किया है. Like as I said, I've been very fortunate. मेरे मम्मी पापा, मेरे भैया, मेरी भाभी, they all have been so sorted and मतलब बहुत ही बढ़िया लोगों में मैं बड़ी हुई हूँ. मेरी नानी है या जो भी फैमिली है, तो मेरे घर में मेरे घर पे जो ख्यालात है वो बहुत ओपन है. इनफैक्ट अगर आई डोंट नो यहाँ पता हो ना हो, क्वालिफिकेशन वाइज मैं डेंटिस्ट हूँ, मैं करती एक्टिंग हूँ. तो मेरे घर पे ये इश्यू ही नहीं है कि कभी. और एक ही चीज, लाइक बचपन में भी मम्मी हमेशा कहती थी कि मैं ये करती थी, ओके अगर इफ दिस वॉज द सिचुएशन ए और बी ऑप्शन है मैं ये करूँ पर तुम चूज करो. सो आई वॉज नेवर टोल्ड कि तुम ए ही करो. So I have not grown up like that. खुद तुम सोचो, तुम समझो और फिर करो तुम्हारे हिसाब से. So yeah. Free spirit. Yeah. Okay. Yeah. अच्छा इसमें मैं एक सवाल आदित्य जी आपसे करना चाहूंगी कि जो for me फिल्म का शुरुआत का सीन है वो chills देता है, right? एक उसे क्या कहते हैं, preparation चल रही है, mock चल रहा है of how to handle calls, right? तीन तरह के अलग अलग लोगों का रिप्रेजेंटेशन माया मैडम करती हैं. तो ये मेरे लिए एक ऐसा सीन था जो काफी, आप कुछ कह रहे हैं? नो, ममता मैडम. नहीं, ममता मैडम, सॉरी. तो यू नो वो काफी एक चिल्स देने वाला सीन है. आपके लिए पूरी की पूरी फिल्म में वो कौन सा ऐसा सीन है जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट रहा, जो व्यूअर्स को आप कहेंगे कि ये एक पर्टिकुलर सीन है जो शायद मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट था? Of course, the last scene for me was the most difficult, but I can't talk about it much. But it was just the most difficult scene for me. But other than that, वो जो पहला scene था, actually जो suicide prevention center का scene था, वो एक take में हमने 25-25 minute का scene, हर take 25 minute का था. इतने dialogues, जब से वो call शुरू होता है, जब तक वो suicide prevention center से निकलने जाती है उस वक्त के लिए. तो उतना 25 मिनट का एक टेक था और हमने 22 टेक किए थे उस सीन के, क्योंकि मुझे वो एक जो एक कॉन्वर्सेशनल, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं तो एक डिसाइडेड नहीं है ना कि मैंने ये बोला फिर आपने बोला, बहुत ही ऐसे चल रहा है बीच बीच में का. तो वो फ्लेवर चाहिए था हमको. तो इसलिए टू द क्रेडिट ऑफ बोथ द एक्टर्स, दे वेरी पेशेंट. मुझे एक पूरा दिन शूट करके नहीं मिला, बिकॉज तो 5-4 or 5 कैमरा थे. मैंने इतने कैमरा अपनी जिंदगी में यूज नहीं किए, बिकॉज हमको हर एक्टर के पास 2 कैमरा चाहिए, 4 कैमरा थे शायद, ऐसा कुछ तो था. 5 थे. हाँ, सो तो यही था. तो वाज अ वेरी डिफिकल्ट सीन टू शूट. फिल्म में वो 17 मिनट का बन गया, उसको काटा हुआ थोड़ा. बट इनके लिए इतने लाइन्स याद करना, उस उन इमोशन से इतनी बार गुजर, एक दिन में नहीं हुआ, फिर वापस दूसरे दिन आके हमने फिर से आधा दिन उसी में गुजारा. एज अ प्रोड्यूसर आई वाज क्लियर कि वो 4 सीन की It's equal to 4 scenes in terms of screen time. तो अगर मैं 2 दिन में भी वो कर पा रहा हूँ तो we are not going slow at all. हमने फिल्म कुछ 20-21 दिन में, ऐसे 20 दिन में खत्म की थी. बट वो मुश्किल सीन था. 25 मिनट का टेक और 22 टेक करना किसी भी एक्टर के लिए आसान बात नहीं है, और उस स्टेट में रहना. और या सो दैट वाज इट. आई थिंक दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट सीन टू पुल ऑफ.
Also, it was when we were getting our tuning together really as a team. So I think, and we shoot chronologically. हमने पूरी फिल्म chronologically उसमें थोड़ी सहूलियत हो ताकि वो चीज महसूस. That's an amazing thing for an actor. Huh? Chronologically जब फिल्म शूट होती है तो तुम्हारा actually वो emotion build होते जाता है and it comes to that point जो towards the end होना है. So it really works well for a like emotional graph. और ये होता नहीं है. मतलब आज तक मैंने जो भी काम किया है कभी ऐसा शूट नहीं हुआ था. आप दोनों का साथ में काम करना कैसा रहा, क्योंकि आपने बताया कि आप 50 मीटर 100 मीटर जितनी दूरी पर रहते थे. तो अभी तक मेरे दिमाग में ये था कि शायद डिफरेंट लोकेशंस और ऑफ कोर्स जो सूटेबल पहले होगा वो पहले शूट होगा ऐसा होगा. बट आपकी बात चूंकि मैंने सुनी कि सेट पर आप साथ थे, बाद में बात करते थे, हाउ इज इट फॉर बोथ ऑफ यू? पर हमें बात करना अलाउड नहीं था. साथ में मतलब हम बिल्कुल बिल्कुल एक दूसरे के पास में थे. फॉर एग्जाम्पल अगर हर्ष सर सीन कर रहे हैं तो मैं थोड़ी दूरी से उन्हें फोन पे क्यूज दूंगी. अच्छा. पर हमें एक्चुअल इन पर्सन बात करना अलाउड नहीं था. इनफैक्ट इनिशियली तो आदित्य ने हर्ष सर से कहा था कि उसे डरा के रखना क्योंकि ये बहुत जल्दी दोस्ती कर लेती है. और मुझसे कहा था बिल्कुल बात नहीं करना. No. मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा आदित्य ने. गलत, आप बदनाम. ये मुझे आदित्य ने बोला. ये मुझे तो बोला, तुम्हें डराने के लिए उसने ऐसा बोल दिया होगा. हमसे तो ऐसा मैं उल्टा था. आदित्य से मैंने ये कहा था कि देखो ये ना मुझे और ये क्योंकि वो मेरा इस जीवन से और इस दुनिया से कोई इतना सरोकार पड़ा नहीं फॉर्चुनेटली आप उससे कि तो मुझे पता नहीं था क्या है. तो मुझे मालूम था कि ये चाहिए क्या डायरेक्टर को और ये किरदार क्या हो सकता है, लेकिन मुझे उसका पूरा सुर नहीं मिल रहा था. तो इनफैक्ट एक दो दिन तो मैंने आदित्य से ये कहा था कि देखिए मैं सेट पे आऊंगा और एक कोना पकड़ लूंगा क्योंकि मुझे सुर नहीं समझ में आ रहा है. तो मैंने ये हाय हेलो है हू हू मुझे नहीं जमेगा क्योंकि मैं इसको अभी भी पकड़ नहीं पा रहा हूँ. तो मैं सेट आऊंगा, एक कोना मुझे दे दीजिएगा, आप भी मुझे हाय हेलो मत कीजिएगा, मैं आपके दूसरे को एक्टर से कोई बात नहीं करूंगा. जब तक मुझे समझ में नहीं आता तब तक मैं अपना तो 48 घंटे तो मैं अकेले ही एक कोना पकड़ के बैठा रहता. अच्छा. फिर धीरे धीरे तीसरे चौथे दिन जब मुझे समझ में आने लगा तब फिर जो रूटीन रहता है कि हाय हेलो वगैरह में आ गए थे. लेकिन पहले 24-48 घंटे तो आदित्य भी बेखाली में आ जाए, अरे मैं क्या कर रहा था, आया भी नहीं यार प्लीज. तो उसको भी 48 घंटे लगा होगा कि यार ये बड़ा बदतमीज आदमी. मेरा एग्जैक्टली उल्टा था. मेरा बिकॉज मुझे आलिया का सुर इनफैक्ट ऑडिशन से पहले मिला था. तो मैं फुदकते रहती थी सेट पे. मतलब मुझे कितना भी सीरियस सीन हो ना, बिफोर द सीन आई एम वेरी मच माई सेल्फ. मुझे आदित्य ने बोला था राइट ऑब्वियसली मतलब ये एनर्जी को उससे मिला दूंगा तो ये बेचारे कैसे वो मूड में रहेंगे ऐसा. तो मुझे आदित्य ने बोला था बिल्कुल मिलना मत, तुम्हारा देखो तुम्हारे टीम के साथ जो करना है. तो मैंने आगा कर दिया था तो इन्होंने लगा भाई इसको पहले बोल दो नहीं तो ये चली जाएगी और मैं 100% आप बिलीव नहीं करोगे, मैं तो ऐड होती है ना तो भी बाजू की बैंड टीम में जाके उनसे हाय मैं यू नो आई एम योर गर्लफ्रेंड एंड द पर्सन इज लाइक क्या बोल रही है भाई, आई मीन ऐड में उस कैटेगरी की हूँ. हाँ, कि ताकि आइस ब्रेकिंग पहले हो जाए. मेरा वो अपन पर्सनली भी ये है कि तुरंत जो हाय हेलो होता है तो मुझे लगता है एक मिनट यार रुक जा थोड़ा, है ना, काम के लिए मिले पहले काम कर लेते हैं बाद में एक दूसरे गोद में बैठ लेंगे अभी. तो इट्स लाइक हैंडलिंग टू वेरी डिफरेंट. हां या लाइक ऑपोजिट वेरी डिफरेंट. आपने लेकिन ये भी कहा कि एक तरीके से पूरी जिंदगी लॉकडाउन से ही है और अकेले रहते हैं और वक्त समय घर पर अकेले बिताते हैं. एक एक्टर के लिए सोशलाइज करना बहुत जरूरी होता है ऑन दी अदर हैंड, ऐसा हम बाहर से ये सुनते हैं. तो फिर हाउ डू यू मैनेज, इसकी वजह से कहीं दोस्त कम बने ऐसा कुछ हुआ? नहीं, एक तो हाँ दोस्त नहीं, फिर वो सारे फितरतन बातें होती है वो फिर सब एक साथ पैकेज डील आता है. ठीक है, मुझे ऐसा है ही नहीं बचपन से 50 दोस्त होने चाहिए. मुझे कोई वो शौक नहीं है कि मेरा सोशल सर्कल कितना बड़ा है. मुझे इस बात से कोई शौक नहीं कि देखो मैं कितना प्यारा हूँ, सब मुझे प्यार करते हैं, सब मेरे दोस्त हैं, मैं सबका दोस्त हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, सब अच्छे हैं. मेरा एक मिनट यार हटो, जरा पीछे बैठो, धीरे धीरे बात करेंगे, है ना. अभी आज मिले हो तो नमस्ते, फिर थोड़ी आगे जो बात करनी है वो हफ्ते बाद देखा जाएगा. हमारे साथ पहले धीरे धीरे समझ में आए. तो वो एक फितरतन ही ऐसा एक दिमाग है कि भाई आप बहुत जल्दी जो है, इनफैक्ट हो सकता है कि
ऑफ लेट अब थोड़ा जल्दी मैं खुल जाता हूँ, घुल मिल जाता हूँ, बट बहुत लंबे अरसे तक यही था कि भैया तो एक तुरंत ना, खास करके जब मैं ऐसे सिचुएशन में बंबई में जब आप एक्टिंग करने आया तो एक माहौल में 100 लोग एक साथ होते हैं और उसमें वो सबका है कि भाई पहले जान ले एक दूसरे को तुरंत, जो हाय हाउ आर यू, और शुरू में लगता था क्या क्या दिक्कत है इन लोगों को, मैंने हर आदमी ये दिखाना चाह रहा है कि मैं कितना प्यारा हूँ, सब मुझे प्यारे हैं, सब अच्छे हैं, मैं अच्छा हूँ, दुनिया बढ़िया है, मैं बढ़िया हूँ, हम लोग अब चिल मारो यार, मतलब दूर रहो मुझसे, तो कोई मुझसे हाय कैसे हो, आई एम दिस, आई एम लाइक रुक पीछे पहले सीन की रिहर्सल करें, काम करके, काम करते करते जो वक्त हम साथ बिताएंगे उसमें जो धीरे धीरे ट्यूनिंग होगी, तब जाकर के अगर दोस्ती होगी तो होगी और नहीं होगी तो नहीं होगी, ठीक है, मुझे ना तुझे भाई बनाना है ना चाचा बनाना है, ना तेरी गोद में बैठूंगा ना तू बैठे, दूर रह तू तो वो पहले ही से ऐसा है, तो अब धीरे धीरे सुधर, हाँ तो मैनेज का ये था कि फिर वो मैनेज की मैंने कभी कोई चिंता की नहीं, मतलब आज तक मेरे पास कोई जो भी काम आ रहा है वो कोई ख्याल रख रहा है ऊपर जो मुझे काम दे रहा है, मेरा एक भी काम ऐसा नहीं है कि अब एक काम जैसे एक काम खत्म हो गया तो दोबारा आप गए कि सर और आगे क्या करेंगे बताइए, बड़ा अच्छा लगा दोबारा कुछ बनाएगा तो जरूर बताइएगा, मतलब हो गया काम खत्म घर चले गए, फिर वो 5 साल बाद बुलाएगा, बुलाएगा नहीं बुलाएगा नहीं बुलाएगा, अब चीजें बदल गई, ये अब एक्चुअली अभी 4 दिन पहले वो आदित्य कृपलानी जो पहले इंसान है जिनको मैंने कहा कि यार कभी कुछ बनाओ दोबारा तो देखो अगर कुछ बात हम फिट हो रहे हो तो, और वो बोलते ही तुरंत मुझे शर्म भी आ गई कि यार ये मैंने तुरंत दूसरा मैसेज भी लिखा कि यार वो उसको इग्नोर कर देना यार वो तो मैंने ऐसे ही लिखा दैट्स नाइस। ये तो आप मुझे बता दीजिए कि फिल्म को कहां देख सकते हैं, कब देख सकते हैं जो सभी व्यूअर्स ललन टॉप के हैं? तो ये वी Now they started pitching it to OTT platforms. तो hopefully हमको exactly अब तक पता नहीं क्या negotiation होगा, किसके किस platform पे finally film आएगी, but अभी वो process शुरू हुआ है तो अगले कुछ महीनों में hopefully हमारे पास clarity होगी, और अभी festivals का दौर भी कर रही है फिल्म तो अभी वो negotiation को push नहीं कर रहे हैं, हम भी रोके हैं कि 2-3 और festivals जो हैं, क्रोएशिया शायद जाने वाली है फिल्म, जो पर हो जाएगा तो फिर उसके बाद इट्स नाइसर, बिकॉज एक बार फिल्म आ जाती है तो फेस्टिवल्स लेते नहीं, बिकॉज वो फिल्म फिर लोग आके हॉल में क्यों बैठेंगे देखने, वैसे ही आज कम लोग जाते हैं तो ऐसा है, बट होपफुली मेरे लिए भी बहुत ही जरूरी है कि फिल्म इस साल आए या जल्द से जल्द आए, बिकॉज मुझे लगता है हम जिन्होंने बनाई है उससे ज्यादा अहमियत है फिल्म की, सिर्फ हमारी जो जिंदगी में उतनी नहीं है, जल्दी हमें देखने को मिले, and thank you so much aap sabhi hamare saath jude for your time and all the best and congratulations jis tarike ka response main pad rahi hu film ko mil raha hai festivals mein that's amazing thank you thank you thank you so much thank you bye